नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण पाठ। आपके हिंदी व्याकरण में अगला पाठ है विशेषण। बेटा, हमने संज्ञा पढ़ ली और स्वरनाम पढ़ लिया, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। जिस बच्चे को संज्ञा और स्वरनाम का पता है तो वो विशेषण आराम से समझ सकता है। जैसे देखिए, आप यहाँ आपके पुस्तक के आधार पर मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। मोटा आदमी दौड़ रहा है, आदमी क्या है? संज्ञा है, ठीक है, और दौड़ रहा है क्रिया कर रहा है, लेकिन आदमी को की विशेषता बताई गई है मोटा, तो मोटा हमारा यहाँ क्या होगा? विशेषण। बच्चे खेल रहे हैं, एक साधारण वाक्य है, बच्चे है वो संज्ञा है और खेल रहे क्रिया कर रहे हैं, लेकिन दो हमने लगाकर इसको ये उनकी विशेषता बता दी है, उनकी संख्या बता दी है हमने, ठीक है। तो यहाँ हो गया दो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की विशेषता के आधार पर हमने उनकी संख्या को बता दिया है। फिर है मैदान में कुछ घोड़े हैं, मैदान संज्ञा शब्द है और कुछ घोड़े हैं, घोड़े संज्ञा शब्द है और उनकी विशेषता बताई है कुछ, काउंट नहीं किए, गिनती नहीं की हुई है, तो उसके कुछ मात्रा बताई है, तो ये क्या होगा इसका विशेषण। वह मीनार ऊँची है, मीनार संज्ञा शब्द है और वह लगाकर स्वरनाम शब्द लगाकर इसे सार्वनामिक विशेषण बना दिया गया है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये हो गया मोटा आदमी, आदमी संज्ञा और ये मोटा उसकी विशेषता। बच्चे दो, संख्या बता दी है यहाँ पर, लेकिन विशेषण ही से कहा जाएगा। तो आपकी परिभाषा की दृष्टि से हो गया संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। जैसे देखिए घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है काला, तो काला क्या होगा? विशेषण। ऊंचा पर्वत, तो पर्वत की विशेषता बता रहा है ऊंचा, कि उसकी ऊंचाई बता रही है, तो ये क्या होगा? विशेषण। हरा पत्ता, हरा पत्ता में आप देखिए कि हरा क्या है? पत्ता, तो उसकी विशेषता बता रही है पत्ते की, तो इसका हरे रंग के माध्यम से उसकी विशेषता बताई है, तो ये हो गया विशेषण। अब आपका आता है विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए। आपने यहाँ देखा कि मैंने आपको बताया था कि काला घोड़ा, तो घोड़ा वैसे तो संज्ञा शब्द है, लेकिन काला जब हम उसका विशेषण जोड़ देते हैं तो अब हमारा ये हो जाता है विशेष्य, घोड़े को हम कहेंगे विशेष्य। ऊंचा पर्वत, तो ऊंचा तो विशेषण हो गया और पर्वत हो गया विशेष्य, ठीक है, समझ में आ गई। जैसे आप देखिए घोड़ा काला घोड़ा था, तो काला तो विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष्य। ऊंचा पर्वत आपका वाक्य था, तो ऊंचा था विशेष्य विशेषण और पर्वत है विशेष्य। हरा पत्ता, हरा हो गया विशेषण और पत्ता है विशेष्य। लाल गेंद, लाल है विशेषण और गेंद है विशेष्य। तो ये आपका हो गया विशेष्य, जो शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की, चाहे फिर वो संज्ञा हो चाहे वो स्वरनाम। अब है प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आपने देखा, देखिए कि राधिका बड़ी होशियार है, राधिका संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता बता रहा है होशियार, लेकिन होशियार के पहले इन्होंने बड़ी लगा दिया, तो बड़ी क्या होगा हमारा? प्रविशेषण। यह जगह जरा कम है, यह विशेषण है, जगह स्थान का नाम है, स्थान है और कम इसकी विशेषता है, स्थान की विशेषता है कि ये कम है, लेकिन जरा लगाकर इसको प्रविशेषण बनाया गया है, ठीक है। तो बड़ी, जरा, बहुत, लोमड़ी बहुत चतुर है, लोमड़ी संज्ञा है और चतुर उसकी विशेषता है, उसका गुण है, लेकिन बहुत लगाकर हमें इसकी प्रविशेषण के माध्यम से इस वाक्य को दर्शा दिया है। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, पिताजी स्वस्थ उनके का बताया गया है, लेकिन स्वस्थ बिल्कुल, तो बिल्कुल के माध्यम से इसको प्रविशेषण बताया है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण या प्रविशेषण शब्द, ठीक है। अब है विशेषण शब्दों की संज्ञा की तरह ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आमतौर पर जैसे हम संज्ञा शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, ऐसे ही विशेषण को प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम उन शब्दों को थोड़ा सा
बदल देते हैं। जैसे देखिए कि विशेषण शब्दों का संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी विशेषण शब्दों का संज्ञा की तरह ही प्रयोग होता है। जैसे अपाहिजों की मदद करो, गरीबों को दान दो। लेकिन यहाँ पर अपाहिजों के बजाय अगर हम ये कहें कि यहाँ बहुवचन आ जाता है, तो अपाहिज बच्चों की मदद करो, अपाहिजों के बजाय हम अपाहिज लगा देते हैं। अपाहिजों बच्चों, वो दोनों बहुवचन अच्छे नहीं लगते व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ बहुवचन है, तो हम गरीबों के बजाय गरीब विद्यार्थियों, विद्यार्थियों यहाँ बहुवचन है, लेकिन इसको हम इसमें विशेषण हम एक वचन में लगाते हैं। ठीक है, अब विशेषण की रचना कैसे होती है, मतलब किन किन शब्दों से हम विशेषण को बना सकते हैं। पहले तो हम संज्ञा से बना सकते हैं, जैसे जयपुर से जयपुरी, रस से रसीला, भूख से भूखा, शहर से शहरी। ठीक है, ज्ञान से ज्ञानी, शिक्षा से शिक्षित, समझ से समझदार, ये संज्ञा शब्द हैं। दूसरा हम बना सकते हैं स्वरनाम शब्दों से, जैसे यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा, यह से ऐसा, तू से तुझसा, कौन से कैसा, इस तरह के शब्दों को हम बना सकते हैं। क्रिया से विशेषण, पढ़ना से पढ़ाकू, इसका क्रिया हम पढ़ना होती है, लेकिन हम इसका विशेषण बनाएंगे। अगर हमें कोई ये कहते हैं कि ये क्रिया शब्द है, इससे विशेषण बनाओ, तो हम उसका बनाएंगे पढ़ाकू। जैसे रख का रखैया, सड़ का सड़ियल, पढ़ का पठित, कथ का कथित, बात करना का बातूनी, देखना दिखावटी, पढ़ना पढ़ाकू, बोलना लक्कड़, ये शब्द होते हैं। अव्यय, अव्यय आपको पता ही है, जो जिन पर लिंग वचन और कार के अनुसार जो ना बदले उसे विकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। इससे विशेषण कैसे बनते हैं, नीचे से निचला, आगे से अगला, पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, इस तरह के शब्दों को हम बना सकते हैं विशेषण। अब आता है आपके विशेषण के भेद। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। बेटा आपको पता ही है गुण यानी कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ा। अब घोड़ा क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी विशेषता, इसका गुण बता रहा है, रंग रूप का ज्ञान हमें यहाँ हो रहा है, तो ये होगा गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, मोटा लड़का गिर गया, आपने पहले भी मोटा आदमी का उदाहरण दिया था, तो मोटा क्या है, इसमें उसके नाप तोल का पता चला, उसके गुण का पता चला है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। इसी तरह आपकी बुक में बहुत से दिए हुए हैं, गुण दोष, रंग, रंग दशा, अवस्था, आकार, स्थान, काल, स्वाद और गंध, स्पर्श, भाव, ये सब आपके सारे गुणवाचक विशेषण के माध्यम से ही आते हैं, दिखाए गए हैं। अब आपका आता है आगे, देखिए संख्यावाची विशेषण, दूसरा भेद है इसका संख्यावाची विशेषण। जो विशेषण सब विशेषण की संज्ञा संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिसमें हमें किसी भी शब्द की या वाक्य में काउंटिंग का पता चले, संख्या का पता चले। जैसे कमरे में एक पंखा है, हमें पता है कमरे में पंखा है, लेकिन हमें उसकी गिनती की संख्या का पता है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में बहुत बच्चे हैं, जो शब्द विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गमले में दो गमले रखे हैं। अब दरवाजे पर हमें पता है कितने गमले रखे हैं, दो, संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन इसमें भी बेटा आपके संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। निश्चित जिसमें आपने पढ़ा है कि बिल्कुल निश्चित संख्या का पता चले, जैसे एक गिलास, चार गेंद, दो लड़कियाँ, 40 बच्चे, हमें काउंटिंग का पता चल रहा है। लेकिन जहाँ हमें निश्चित संख्या का नहीं पता चलता, तो उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं, अब हमें पता है कि पेड़ पर आम हैं, लेकिन हमें उनकी संख्या का नहीं पता कि कितने हैं, तो वो होंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कमरे में कुछ कुर्सियाँ हैं, टोकरी में थोड़े सेब हैं, सेब तो हैं, ये तो पता है सभी को, लेकिन कितने हैं ये काउंट नहीं कर रखे, गिनती नहीं है, संख्या का पता नहीं है, लेकिन हम उसे गिन सकते हैं,
तो इसलिए उसमें थोड़े शब्द का प्रयोग किया है। कई बच्चों को इनाम मिले, बच्चों को इनाम मिले हैं लेकिन कितनों को मिले हैं ये नहीं पता, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। फिर है हमारा परिमाणवाचक, जिसमें जो विशेषण शब्द संज्ञा या विसर्गनाम की नापतोल संबंधी विशेषता का बोध कराए वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, मेज 2 मीटर लंबी है। अब हमें यहाँ इसके नापतोल का पता चल रहा है कि मेज कितनी लंबी है, 2 मीटर। बगीचे में थोड़ा पानी जमा है, हमें पता है बगीचा पूरा तो भरा नहीं पानी का, थोड़ा सा भरा है लेकिन कितना भरा है ये पर्टिकुलर हमें नहीं पता, तो नापतोल का पता है कि कम पानी भरा है। दूध वाला 1 लीटर दूध लाया, हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ बनाई, इस तरह हमें नापतोल का पता चलता है। लेकिन इसमें भी संख्यावाची की तरह ही इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें निश्चित मात्रा का पता चले, जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, 5 लीटर तेल, निश्चित मात्रा का पता है तो इसे कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द विशेषण की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं करवाता। हमें ये तो पता है कि नापतोल के आधार पर कि कुछ है लेकिन कितना है ये नहीं पता हमें, ठीक है, तो इसे कहेंगे निश्चित अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जग में ढेर सारा शरबत है, मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया। अब कपड़ा लिया है ये तो पता है, नापतोल हम कर सकते हैं लेकिन इसका नापतोल की निश्चित मात्रा का नहीं पता हमें, तो इसलिए हम इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है, गिलास में थोड़ा पानी है, ठीक है। अब बेटा आप कहोगे कि निश्चित और अनिश्चित और नापतोल दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अंतर जो है जो विशेषण शब्दों की संख्या का बोध करे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें नापतोल का परिमाण का मतलब उसके निश्चित जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो तो जो हम गिन सकते हैं उसे संख्या में कहते हैं, और जो चीज़ गिन नहीं सकते लेकिन हम उसको नापतोल के किसी के अनुसार उसका अनुमान लगा सकते हैं उसे कहते हैं परिमाणवाचक। जैसे देखिए, दीदी ने मुझे 2 पुस्तकें दी, दीदी 2 लीटर दूध लाई, ये लीटर को हम गिन तो नहीं सकते ना, 1-2 लीटर ऐसे गिन सकते हैं। अब 1 लीटर में कितना दूध है उसको हम सिर्फ नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो इसे परिमाणवाचक। मैदान में बहुत से आदमी घूम रहे हैं, अब बहुत लोग घूम रहे हैं आदमियों को हम गिन सकते हैं, ये संख्यावाचक। लेकिन मैदान में बहुत पानी भर गया, अब पानी को हम गिन नहीं सकते, इसको हम नाप सकते हैं, तो ये परिमाणवाचक होगा। हमारे घर में 20 गमले, हम गमलों को हम काउंट कर सकते हैं, और थान में 20 गज कपड़ा है, अब गज है तो गज में हमको कम काउंट कर सकते हैं लेकिन हम इसको काउंट गिन नहीं सकते, इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे मकान में कितना रुपया खर्च हुआ, हमारे मकान में कितना रुपया खर्च हुआ ये हम काउंट कर सकते हैं। तुम्हारे घर में कितना घी है, घी को हम काउंट कर नहीं कर सकते, उसको हम नाप तोल करके उसका नाप बता सकते हैं, परिमाण बता सकते हैं, उसकी संख्या नहीं बता सकते, क्लियर है। अब हमारा आता है आगे सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए। कहने का तात्पर्य देखिए, यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे आप। जैसे वह घर बड़ा है, घर क्या है, संज्ञा, लेकिन संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह, तो ये होगा संज्ञा से पहले जहाँ सर्वनाम आ जाता है बेटा उसे सार्वनामिक ही कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, यह पेंसिल मेरी है, पेंसिल क्या है, संज्ञा, संज्ञा से पहले यह लग गया तो अब इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब है कि विशेषण की तुलना में प्रयोग कैसे तुलना की जा सकती है। जब एक ही व्यक्ति प्राणी या वस्तु के गुण का प्रकट करना हो, जैसे देखिए यह आम बहुत मीठा है, एक ही आम का पता हमें बताना है, बहुत मीठा है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है। जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाए आपस में कि कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है, तो हम कहेंगे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठ 1 और श्रेष्ठतर 2 के बीच में तुलना होती है। रेनू और शीला से अधिक कमजोर है, रेनू और शीला में हम वो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, लेकिन जो रेनू है वो शीला से अधिक कमजोर है, क्लियर है। उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक, 1 में तो मूलावस्था की है, 2 में उत्तरावस्था, तो उत्तमावस्था होगी 2 से अधिक।
व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की तुलना की जाए। यह निमंत्र श्रेष्ठतम है, मतलब पहला जो निमंत्र था वो आपका श्रेष्ठ था, फिर श्रेष्ठतर था, ठीक है, और अब श्रेष्ठतम है। मोहन सबसे शक्तिशाली है, सबसे मतलब शक्तिशाली जो था उनसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जितने भी शक्तिशाली लोग थे मोहन के आसपास उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये उसकी उत्तम अवस्था है। समझ में आ गई? आपके यहाँ दिए भी हुए हैं उच्च उच्चतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, प्राचीन प्राचीतर प्राचीतम प्राचीनतम, ठीक है, तो ये आप पढ़ना। अब आपका आता है कि विशेषण के प्रभाव किन किन पर पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा लिंग पर और वचन पर प्रभाव पड़ता है इसका विशेषण का। जैसे देखिए, जब हम विशेषण में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का अपना रूप बदलते हैं तो विशेषण भी बदल जाता है। जैसे देखिए, काला घोड़ा घूम रहा है, अब घोड़ा क्या है, पुल्लिंग, लेकिन अगर हम घोड़े शब्द का प्रयोग करेंगे तो काला की जगह हम करेंगे काली। पेड़ हरा है और डाली हरी है, पेड़ जो है वो पुल्लिंग है तो हरा होगा, लेकिन डाली स्त्रीलिंग है तो ये हरी बदल जाएगा, विशेषण का रूप बदल जाएगा। फिर है वचन पर, वचन पर भी प्रभाव पड़ता है बेटा। जैसे देखिए, यह लड़का अच्छा है, अब लड़का एक वचन है तो अच्छा है, ये लड़के अगर हम बहुवचन करेंगे तो ये लड़के अच्छे हैं तो अच्छे बदल जाएगा, ये बहुवचन में बदल जाएगा। काली बिल्ली बाहर भागी, काली बिल्लियां बाहर भागी, कभी कभी विशेषण में ज्यों की तो भी वो बना रहता है, लेकिन वाक्य के आधार पर ही हम विशेषण को बदल सकते हैं। अब आपने आज पूरे इसमें पाठ में पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संज्ञा शब्दों, स्वरनाम शब्दों, क्रिया शब्दों और अव्यय के आधार पर हम विशेषण बनाते हैं, जैसे आपने पीछे अभी सुना है। विशेषण का रूप कब बदलता है, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर। और तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये आपके पाठ का सारांश था बेटा, इसे अच्छे से पढ़ना समझना और फिर हम इसके आगे प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। वीडियो में समझ में आ जाता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, और जो आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।
बनाना।